सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से रिलीज की गई ट्रेलर बेताल के ऊपर, जो कि एक इंडियन हॉरर वेब सीरीज होने वाली है। और इसका इस सीरीज को रिलीज़ किया जाएगा इसी मंथ 24 मई को यह सीरीज रिलीज़ की जाएगी। और इसका करीबन एक दिन पहले फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया था। और इस सीरीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स इंडिया। और शाहरुख खान की शायद ये दूसरी प्रोडक्शन है बार्ड ऑफ ब्लड के बाद। नेटफ्लिक्स इंडिया बार्ड ऑफ ब्लड के बाद ये शायद उनकी दूसरी सीरीज होगी जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फाइनली उसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से पहले इस ट्रेलर को देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और भी रिलेटेड रिएक्शन देखने के। तो चलिए पहले जल्दी से इस ट्रेलर को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। From the maker of your time. बेताल नेटफ्लिक्स। सो फ्रेंड, ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा मुझे और काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर देखकर। कुछ नया शायद हमें देखने को मिलेगी सीरीज़ के द्वारा। और जिस तरीके से इंडियन फिल्में जिस तरीके से हॉरर सीरीज़ या फिल्में बनाती है, वो हमें कुछ नया नहीं देती, वही पुराना हमें तड़का देती है, जो कि लोग देख कर बोर हो चुके हैं इंडियन हॉरर फिल्मों को या सीरीज़ को। लेकिन बेताल जो ट्रेलर हमें देखने को मिला, वो कुछ अलग हमें देने की कोशिश कर रही है। और अगर ये सीरीज़ हमें कुछ अलग देगी हॉरर के मामले में, तो वो काफ़ी बेहतरीन बात होगी। और ट्रेलर देखकर मुझे लग रहा है कि ये सीरीज़ हमें कुछ अलग ज़रूर देगी। और काफ़ी बढ़िया लगा ट्रेलर, जिस तरीके से जॉम्बी हमें देखने को मिले इस ट्रेलर में, सीरीज़ में जिस तरीके से जॉम्बी देखने को मिलेंगे, अगर उसे कुछ बेहतरीन तरीके से दिखाया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। और सबसे ख़ास बात कि अगर स्टोरी काफ़ी बढ़िया होगी जॉम्बीज़ के साथ, हॉरर के साथ, अगर स्टोरी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी इस सीरीज़ में, तो कमाल की बात होगी इस सीरीज़ के लिए और काफ़ी बढ़िया लगेगी हमें। और जिस तरीके से इस मूवी की जो स्टोरी होने वाली है, वो काफ़ी बढ़िया लग रही है सुनने में। और जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया कि एक बेताल माउंटेन हमें
देखने को मिलेगी। और आदिवासियों का मानना है कि उस बेताल माउंटेन पे कर्स है, यानी कि भूत है, उस बेताल माउंटेन पे चुलेर का साया है। और फिर कैसे कुछ ग्रुप्स आते हैं और उस वहाँ पे टनल की खुदाई करते हैं, और वो क्या वो कर्स होंगे, और फिर क्या वो उस शैतान को जगा देंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, वो हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलेगी। और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा। और इस सीरीज़ में हमें एज ए लीड काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेस नज़र आने वाले हैं, जैसे कि विनीत कुमार सिंह, जो कि बार्ड ऑफ ब्लड से हैं, जिन्होंने बार्ड ऑफ ब्लड में काम किया था, जितेंद्र जोशी, जिन्होंने सेक्रेट गेम में काम किया था, अहान कमरिया, जिन्होंने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में काम किया है, और सुचित्रा पिल्लई, जिन्होंने दिल चाहता है जैसी मूवीज में भी काम किया। और इस मूवी और इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रतीक गोराम और निखिल महाजन, और फ्रॉम द मेकर जिन्होंने गेट आउट, इंडिशियस और बार्ड ऑफ ब्लड जैसी सीरीज बनाई है, वो मेकर्स इन्वॉल्व हैं इस सीरीज में भी। तो देखना होगा कि ये सीरीज कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आती है और कितना ज़्यादा हमें यह सीरीज़ बेहतरीन देती है, वो तो जब 24 मई को रिलीज़ की जाएगी तब हमें पता चलेगा। तो काफ़ी बढ़िया लगा, ओवरऑल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ट्रेलर देखकर। अगर आप लोगों ने यह ट्रेलर नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से ये ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको ये ट्रेलर कितना ज़्यादा बेहतरीन लगा अगर आप लोगों ने देख लिया है, और मेरा रिएक्शन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।